दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। ये हमला उस वक्त हुआ जब वे बिजवासन इलाके में साइबर फ्रॉड से संबंधित मामले में रेड करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया जिसमें 5 लोग घायल हुए। हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ईडी की टीम PPPYL साइबर ऐप फ्रॉड केस के संबंध में अशोक शर्मा और उसके भाई के ठिकाने यानी उसके फार्म हाउस पर छापेमारी करने गई थी। वहीं पर फार्म हाउस के मालिक ने हमला कर दिया। इस हमले में एक FIR दर्ज किया गया है और मामला अभी काबू में है। साइबर क्राइम के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम आज जब बिजवासन के इस फार्म हाउस पर पहुंची तो यहां पर सुबह सुबह जैसे ही ईडी की टीम पहुंची फार्म हाउस में मौजूद लोगों ने ईडी की टीम पर हमला बोल दिया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस अशोक कुमार नाम के एक शख्स का है और जब ईडी की टीम को एक लीड मिली थी और उसके बाद ईडी की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो फार्म हाउस के मालिकों ने काफी ईडी की टीम के साथ बहस की और उसके बाद अटैक कर दिया, जिसके बाद लोकल पुलिस को जानकारी दी गई और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। ईडी की टीम की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि साइबर क्राइम के मामले में ईडी की टीम को यह जानकारी मिली है कि 15,000 ऐसे खाते हैं जिसमें साइबर फ्रॉड का पैसा है वो आया है, जिसके बाद इस ये जो लीड थी इस लीड के बाद इस फार्म हाउस पर पहुंची। आलिशान फार्म हाउस है जो एक CA का बताया जाता है और जैसे ही ईडी की टीम CRPF की टीम के साथ यहां पर पहुंची जो फार्म हाउस के मालिक है उन लोगों ने ईडी की टीम पर अटैक कर दिया, जिसके बाद ईडी की टीम ने लोकल पुलिस को बताया। आपको बता दें कि ईडी की टीम को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अलग अलग तरह के जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें जो पैसा आता है वो जिन अकाउंट में आता है उस अकाउंट के बारे में ईडी की टीम को जानकारी मिली और ऐसे 15,000 खातों पर ईडी की टीम की नजर है। उसी खातों की जांच करते हुए साइबर जो ईडी की टीम है उस फार्म हाउस पर पहुंची थी और जैसे ही फार्म हाउस पर पहुंची ईडी की टीम पर हमला हो गया। फिलहाल ईडी की टीम इस फार्म हाउस पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर रेड की जा रही है। ईडी सूत्रों ने बताया कि वे PPPYL साइबर ऐप फ्रॉड मामले की जांच में अपराधियों पर छापेमारी करने गए थे। हालांकि इस दौरान साइबर अपराधियों अशोक शर्मा और उसके भाई ने टीम के सदस्यों पर हमला कर दिया। FIR में कहा गया है कि जब अधिकारी छापेमारी कर रहे थे तभी उन पर हमला हो गया। ईडी सूत्रों ने बताया कि जिस केस में ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी उसमें देश भर में फिशिंग स्कैम, QR कोड धोखाधड़ी, पार्ट टाइम जॉब स्कैम जैसे हजारों साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं।